प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला, प्रभु की बेटी, आज आपके सामने फिर से इकट्ठी हुई हूँ और आज फिर हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और उस सामर्थी वचन के द्वारा आज फिर मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में उद्धार आएगा। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और हम एक दूसरे से जीवित होकर बात कर पा रहे हैं आज। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जो आज उसने आप और हमारे लिए रखा है वो आपके जीवन में जरूर काम करेगा। और आज जो बीमार हैं स्पेशली वो प्रार्थना करें। और मुझे लगता है कि आज के समय में परमेश्वर आपके लिए बैठा है कि वो आपकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में आंसर देगा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का जिसने हमें रचा है और आज का सुंदर दिन दिखाया, अभी तक संभाल के रखा, और आज की शाम दिखाई और इतनी सुंदर शाम की इतने लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर के वचन को आज हम सुनेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उनके पेज पे लाइव आके बोलने पाई। और मैं इस पेज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये पेज बहुतायत से बढ़ने वाला हो पाए और इसकी कलीसिया की लाइन इतनी ज्यादा लंबी हो कि अनकाउंटेबल हो, काउंट ही नहीं कर सके उसको। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के साथ और उसके बाद उसकी स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है परमेश्वर, और आपका वादा है परमेश्वर कि आप हमें आगे भी संभाल के रखेंगे परमेश्वर। परमेश्वर आगे वाले आने वाले टाइम के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर इस टाइम जो इस पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर आप काम करिए परमेश्वर। परमेश्वर ये वचन जो आज वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर, ये हर एक की जिंदगियों में परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर आज के टाइम पे परमेश्वर जो लोग इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर तरह तरह की बीमारियां हैं परमेश्वर, परमेश्वर आप उन्हें छुई और चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो इस टाइम हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर, उन पर अपना चंगाई पर हाथ रखिए परमेश्वर। परमेश्वर आगे आने वाले समय को परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी मैं वचन परमेश्वर आपके माध्यम से आपकी अगुवाई से देती हूँ परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगियों पे परमेश्वर बात करने वाला हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और ये गीत सभी को आता होगा, मैं यूट्यूब से प्ले करूंगी और हम सब इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब पृथ्वी पर उसकी स्तुति होती है, आराधना होती है, तो स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग दूत भी खुशियां मनाते हैं। तो हमें ये मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाए। तो यीशु मेरे ये सॉन्ग मैं यूट्यूब से प्ले करूंगी और हम उसे साथ में गाएंगे। सच में ये सॉन्ग हर एक की जिंदगी से बात करने वाला सॉन्ग है। इसकी एक एक स्टैंजा, एक एक पैरा इतने सुंदर है, आप अपने जीवन को इससे रिलेट कर सकते हैं। हर एक पैरा में आप अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं कि प्रभु कितना महान है। शो मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया।
सच में परमेश्वर की हमें आराधना करनी है क्योंकि वो स्तुति और आराधना के योग्य है। अब ये जो स्टैंजा आएगा, आप इससे अपनी जिंदगी को रिलेट करिए, आपको सच में लगेगा कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत अलग से काम किया है और उसने आपको यूं ही नहीं छोड़ दिया है प्रॉब्लम्स में, उसने आपका दाहिना हाथ पकड़ के आपको संभाला है। तू और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। सच में हम कैसे थे, हम दुख और दर्द और तकलीफों में पड़े हुए थे, फिर परमेश्वर यीशु मसीह एक सच्चा मित्र बनकर आपके पास आया और उसने क्या किया, आपके पापों के लिए उसने वो क्रूसीफाइड हुआ, उसने अपना बलिदान दिया और हमें सारे पापों से मुक्ति दी। खाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। सच में हम बेठिकाना भटक रहे थे और उसने हमें आसरा दिया है, उसने हमें सहारा दिया है। जब हमें सहारे की जरूरत थी, हमारे कोई भी जान पहचान वाले, इवन हमारे रिलेटिव, इवन हमारे माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, हमारे हस्बैंड हमारी वाइफ हमें छोड़ सकती हैं, लेकिन उसका वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें बेसहारा कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। फूलों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया।
सच में लास्ट स्टेंजा में है ना कि वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। सच में आज कोई ऐसा व्यक्ति जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कह दिया है कि आप सही नहीं हो सकते, आपको बहुत टाइम लगेगा आपकी बीमारी में, लेकिन परमेश्वर ने आपको जवाब नहीं दिया है, परमेश्वर ने कहा है मेरे बच्चे तू सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैद्य उसके समान तो कोई है ही नहीं। जब वो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, जब वो लंगड़ों को चलवा सकता है, जब वो अंधों को दिखा सकता है, जब वो मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो उसके समान तो कोई वैद्य है ही नहीं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपने घुटनों में आइए, अपने घुटनों पे आके दुआ करिए, अपने आप को समर्पित करिए, और देखेगा वो आपकी बीमारी को पल भर में दूर कर देगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का हमारे लिए। आइए अब हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जो आज परमेश्वर के द्वारा निर्धारित वचन है, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम परमेश्वर ऑनलाइन पेज को परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर हर एक की जिंदगी में परमेश्वर आप काम करिए परमेश्वर। परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, वचन इतना सामर्थ्य हो परमेश्वर की हर एक के जीवन में काम करे परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति इसके द्वारा लाभान्वित होने वाला हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे लिखा है ना वचन में रोमियो 5 और उसकी 3 और 4 आयत में कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जान कर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो अगर आप कलेश में है, प्रॉब्लम्स में है, तो हमें उसमें भी क्या करना है? घमंड करना है, क्योंकि हमारी आशा बढ़ रही है। आपने गाना सुना होगा ना कि होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात ही सोना बनेगा, क्योंकि सोने को पहले तपाया जाता है, और प्रॉब्लम्स हमें क्या बनाती है? हमें सोना बना देती है। तो आइए आज के वचन में हम चलते हैं। सबसे पहले जो आज का वचन हमें मिलता है वो हमें मिलता है यूहन्ना में। वचन है कि जगत की ज्योति, हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति कहा है, हमें क्या कहा है? जगत की ज्योति। तो जगत की ज्योति हमें कहा है, तो हम क्या ऐसे करेक्टर्स हैं कि हम अपने अंदर ला सकते हैं कि हम एज अ ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, जगत की ज्योति हम दिखाई दे। तो वो करेक्टर्स मैंने निकाले हैं, आज हम उसी में ही मनन करेंगे, और हम देखेंगे कि हम अपने जीवनों में और कौन सी चीजें हैं जो हम अपने जीवनों में ला सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं अभी तक और गलत है, और हम उन्हें अपने जीवनों से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो हमें आज का वचन जो मिलता है यूहन्ना 8 और उसकी 12 आयत है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले क्या बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूं, मतलब यीशु मसीह है जगत की ज्योति, और इसने क्या बोला है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या होगा? अंधकार में नहीं होगा बल्कि किसमें आ जाएगा? उजियाले में हो जाएगा। और उसी के बाद मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 5 और उसके 14 वर्ष में, तुम जगत की ज्योति हो। सबसे पहले यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे चलो, और जो जगत की ज्योति के पीछे अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलता है वो खुद क्या बन जाता है? जगत की ज्योति बन जाता है, जैसा कि मत्ती में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जगत की ज्योति बनने के लिए हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये आज हम सीखेंगे। ये बहुत छोटी सी वर्स है, बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन ये हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, हमारे जीवनों में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि हम जगत की ज्योति कैसे बन सकते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो यीशु का अनुसरण करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, और एक वो जो यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। तो जो यीशु के पीछे चलेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो क्या रहेंगे? उजियाले में रहेंगे, अंधकार उनको नहीं छूने पाएगा। लेकिन यहां पर भी यीशु के पीछे चलने का अर्थ ये नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं और बस हम, यीशु कहता था कि अपना
तुम्हारे अगर एक गाल पे कोई चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल उसे दे दो, तुम दूसरों पर दया करो। इसका मतलब ये तो है, वचन पढ़ना भी है, लेकिन उसके साथ साथ यीशु के पीछे चलने का मेन मीनिंग क्या है? जैसा कि लिखा हुआ है लूका 9 और उसके 24 वर्स में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे क्या लिखा है? दो चीजें लिखी हैं। क्या? अपने आप का इनकार करना, और दूसरा क्या लिखा है? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। अब लोगों के मन में आ रहा होगा क्रूस उठाना मतलब हमें हर दिन क्रूसीफाइड होना है? नहीं, क्रूसीफाइड नहीं होना है हमें। क्रूस उठाना मतलब है अपने शरीर की लालसाओं को मारना, अपने आप को समर्पित करना, अपनी लालसाओं को क्रूसीफाइड करना। जो हमें लालसा क्या होती है कि लालच जो हमें क्या करती है, शरीर क्या है? दुर्बल है, हमारी आत्मा सबल है। हमारी आत्मा हमें कई बार याद दिलाती है कि ये पाप है, ये मत करो, चोरी पाप है, झूठ पाप है, दूसरों की बुराई करना, चुगली करना पाप है। लेकिन शरीर क्या करता है? शरीर दुर्बल है और हम क्या करते हैं? पाप में गिरते चले जाते हैं। लेकिन आत्मा हमें क्या करती है? याद दिलाती है। तो हमें क्या करना है? यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है कि अपने आप को क्या करना, अपने आप का इनकार करना है। अगर हमारा शरीर पाप करने के लिए आतुर हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है? इनकार करना है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। ये है यीशु के पीछे चलना, अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के हाथों में कि परमेश्वर मैंने अपने आप को सौंप दिया। ये है यीशु के पीछे चलना। यीशु की जो भी बातें हैं, जो भी उनका नेचर है, उसको फॉलो अप करना, ये है यीशु के पीछे चलना। उसकी सारी बातों को जो उसने किया है संसार में उसे याद करना, उसे मुक्ति दाता अपने आप को मानना, ये है यीशु के पीछे चलना। केवल अच्छी अच्छी बातें करना, दूसरों को सिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं हम अच्छे बन जाएंगे। हम ऐसे यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे जब तक हम खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे। हम दूसरों के क्रूस को नहीं देखना है हमें कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हमें अपने क्रूस को उठाना है पहले। क्या लिखा है यहाँ पे? तो अपने आप से इनकार कर और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा। हमें पहले अपना क्रूस उठाना है, तब हम दूसरों के पाप गिन सकते हैं। तो क्या हम और आप अपना क्रूस उठाते हैं? क्या हम अपने आप अपने शरीर का इनकार करते हैं कि नहीं ये पाप है, मैं घूस नहीं ले सकता, मेरे हाथों से घूस नहीं आनी चाहिए, ये पाप है? क्या हम अपने हाथों का इनकार करते हैं? क्या हम अपनी आंखों का इनकार करते हैं? आजकल इतने लोग पता नहीं कैसी कैसी फोटोज डालते हैं, क्या हम उन चीजों को देखने से इनकार करते हैं? क्या हम चुगली करने से इनकार करते हैं? क्या हम बुराई करने से इनकार करते हैं? अगर हम नहीं करते तो हमने अभी तक अपना क्रूस नहीं उठाया, और हमने क्रूस नहीं उठाया इसका मतलब हमने यीशु मसीह का अनुसरण नहीं किया, और यीशु मसीह का अनुसरण नहीं किया तो उसका मतलब हम अभी भी क्या है? अंधकार में है, उजियाला है ही नहीं हमारी जिंदगियों में। दूसरे वो लोग होते हैं जो अंधकार में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु के पीछे ही नहीं होते हैं। अगर हम यीशु के पीछे हैं, हमें अपना क्रूस उठाना है, प्रतिदिन उठाना है अपना क्रूस। जैसे लिखा है लूका 14 और उसकी 27 आयत में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी यीशु मसीह ने कह दिया है कि जो क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा क्या नहीं है? चेला नहीं है। तो यानी हमें परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए हम उसका चेला बनना पड़ता है। चेला ही गुरु का क्या करता है? अनुसरण करता है। जैसा गुरु होता है वो ही उसको फॉलो अप करता है। तो हम अगर चेला बनना चाहते हैं यीशु का, तो हमें क्या करना है? अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, और जो नहीं उठाएगा वो क्या है? वो उसका चेला नहीं है। तो इसलिए हमें, और जब हम यीशु के चेले नहीं है तो फिर हम किसके चेले हैं? हम शैतान के चेले हैं, क्योंकि हम अंधकार में जी रहे हैं, हमारी जिंदगियों में उजाला है ही नहीं। तो आप डिसाइड करिए कि आप किसके चेले हैं, यीशु के या फिर अंधकार के। अब हम देखते हैं कि ज्योति की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। ये था जो वचन मैं आज आपको बोलूंगी। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है। ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में देखे कि क्या उसके जीवन में ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसको कौन कौन सी चीजें अपने जीवन में और ज्यादा लाने की जरूरत है।
जैसे कि पहली चीज जो हम देखते हैं, लाइट का मुख्य काम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 119 और उसकी 105 आयत में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि हम ज्योति हैं तो हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन ही हमारे लिए क्या है? मार्ग का उजियाला है। तो अगर हम ज्योति हैं तो हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। और वचन का ज्ञान भी ऐसा कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है और वो किसी भी तरीके की परेशानी से ग्रसित है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको वचन के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए। तब हम सच्ची ज्योति हैं कि हम उसके मार्ग को क्या कर पाए? प्रकाशित कर पाए। अगर हम उसे और अंधकार में ढकेलते हैं और नेगेटिव बोलते हैं और उसे डिस्करेज करते हैं तो हम जगत की ज्योति नहीं है, बल्कि हम क्या है? जगत के अंधकार हैं। अंधकार है और अंधकार का राजा क्या है? शैतान है। ये सब जानते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है भजन संहिता 48 और उसकी 14 वर्स में, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। अगर हमें वचन का ज्ञान है, अगर हम परमेश्वर की बातों को फॉलो अप करते हैं, यीशु को फॉलो अप करते हैं, तो परमेश्वर अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि मैं मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर में हैं, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो अप करते हैं, तो परमेश्वर खुद कह रहा है कि आपकी मृत्यु तक वो आपकी अगुवाई करेगा। सोचिए, आपके क्या आपके हस्बैंड ये चीज बोल सकते हैं कि मैं मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या आपकी वाइफ बोल सकती है? क्या आपके मदर बोल सकती है? आपके फादर बोल सकते हैं? नहीं, कोई ये कह ही नहीं सकता श्योरिटी से कि मैं तुम्हारी डेथ तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है? हमें नहीं पता कि कब अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस दे रहा है इस वचन में कि अगर मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू अगर मुझ में बना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? मृत्यु तक तेरी अगुवाई करूंगा। ये है एक सच्ची प्रॉमिस। जैसे लिखा है रोमियो 8 और उसकी 14 वर्स में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जैसे एक पिता ही अपने पुत्र को क्या करता है? उसकी अगुवाई करता है। वैसे ही परमेश्वर, जिसने हमें ये प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगा? मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, तो वो क्या है? हमारा पिता है। और हम क्या कहलाएंगे? उसके पुत्र कहलाएंगे। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, यीशु के जो भी उसने उदाहरण सेट किए थे, जो भी उसकी शिक्षाएं थी, अगर हम उसे मानते हैं, तो हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। जैसे लिखा है रोमियो 8 और उसकी 17 वर्स में, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के संगी वारिस, जब तक कि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। यानी हम क्या बन जाते हैं? हम अगर संतान हैं तो हम उसके वारिस भी बन जाते हैं। और वारिस किस चीज का? तो अभी मैं आगे देखती हूँ, महिमा में भविष्य के वारिस। अगर हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हम उसके महिमा में भविष्य के वारिस भी बन जाते हैं, और हम यीशु के क्या बन जाते हैं? संगी वारिस बन जाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि हमें क्या करना है? फॉलो अप करना है। किसे फॉलो अप करना है? यीशु को, क्योंकि वो जीवन की ज्योति है। और जीवन की ज्योति को जब हम फॉलो अप करेंगे तो ही हम क्या बन सकते हैं? हम खुद जगत की ज्योति बन सकते हैं। तो आत्मसमर्पण के लिए दो फायदे होते हैं। एक होता है हमें महिमा में भविष्य मिल जाता है, और दूसरा परमेश्वर हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए हमें क्या करता है? गाइड करता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंबित करती है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, तो क्या होता है? जिस तरीके से रेस ऐसे करके आती है, और उस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पर हिट करके वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस चली जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिफ्लेक्शन करती है।
तभी हम देख पाते हैं चीजों को, हम तभी देख पाते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करने वाला? नहीं, बल्कि यीशु मसीह के करेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करने वाला। कि अगर कोई व्यक्ति हमसे मिले तो वो कहे कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। जैसे कि लिखा है गलातियों 4 और उसकी 19 आयत में, यहाँ पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदर भी मसीह का रूप होना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? मसीह का रूप होना चाहिए। क्या आपके जीवन में मसीह का रूप है? क्या हम एज अ क्रिश्चियन दूसरों को इंडिकेट हो पाते हैं? क्या हम एज अ क्रिश्चियन अपनी लाइफ जी पाते हैं? केवल संडे के दिन अच्छा अच्छा खाना खाना, मॉल घूम लेना और क्रिसमस के टाइम पे तैयार होके चले जाना, क्या यही हमारा जीवन है? क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं? या हम ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारी जिंदगियों से, हमारे बिहेवियर से, हमारे स्वभाव से यीशु मसीह प्रतिबंधित हो? जैसे लिखा है फिलिपियों 2 और उसकी 5 वर्स में, सॉरी, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। तो यहां पर फिलिपियों में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। क्या हमारा स्वभाव उतना विनम्र है? हमें झटपट क्रोध आ जाता है, हम झटपट गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव मसीह की तरह नहीं है, बल्कि मसीह की तरह होना चाहिए। जैसे तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है लाइट के कारण क्या होती है? ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे कोई प्लांट है, अगर आप उसे प्लांट करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि उसको धूप में रखो, उसको बाहर रखो, अगर आप उसे अंदर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है? हमें अपनी जिंदगी को क्या करना है? परमेश्वर की संगति में रखना है, उसकी रोशनी में रखना है। तो हम क्या करते हैं? हम ग्रो करते हैं। जैसा कि पत्रस हमें बताता है, पहला पत्रस और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले निर्मल बच्चा बनना है, निर्मल बच्चा बनना है। और निर्मल बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों के स्टमक कैसा होता है? इतना डाइजेस्टिव सिस्टम उनका वीक होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो खाना खा पाए। तो स्टार्टिंग में उन्हें दूध दिया जाता है कि वो उसे डाइजेस्ट कर ले। तो वैसे ही हमारा मसीही जीवन भी होना चाहिए। हमें केवल बच्चे बन के नहीं रहने देना चाहिए। जैसे लिखा है, पौलुस कहते हैं इब्रानियों 5 और उसकी 12 वर्स में, तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। मतलब ये क्या है? पहले वो उनसे कह रहे हैं पत्रस में कि अभी तुम्हें क्या क्या चाहिए? दूध देना चाहिए, और उसके बाद हमें अन्न पे आना चाहिए। जैसे एक बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मम्मी क्या करती है? उसे पहले मिल्क फीडिंग कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा है, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और उसके बाद धीरे धीरे खाना इसको देना स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका होता है। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी वचन में बढ़ना है। पहले हमें दूध की तरह निर्मल वचन दिया जाता है कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप चुने हुए हैं, और उसके बाद हमें वचन में धीरे धीरे बढ़ना, और इतना बढ़ना है कि केवल सुनने वाले नहीं बल्कि प्रचार करने वाले बनना है। क्योंकि हमारे जीवनों से वचन बात, जीवनों से हर एक की जिंदगी में बात करने वाला होना पाए, ऐसा हमारा हमारी जिंदगी होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना 6 और उसकी 35 आयत में, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, यानी हम शारीरिक भूख तो अपनी रोटी से भर सकते हैं, लेकिन आत्मिक भूख के लिए हमें कौन चाहिए? हमें यीशु चाहिए, हमें वचन चाहिए, और वचन ही क्या है? यीशु है। तो अगर हमें अपनी आत्मिक भूख भरनी है तो हमें किसका सहारा लेना है? हमें वचन का सहारा लेना है, और अपनी आत्मिक भूख, भूखे और प्यासे हमेशा हमें बने रहना, ताकि हम वचन को क्या करें? हर टाइम ग्रहण करते रहें।
जैसे लिखा है, चौथी चीज जो हम देखते हैं वो है लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब आपने ये चीज आप इमेजिन करी होगी या देखा भी होगा, जब अंधेरा रूम होता है तो आप टॉर्च से अगर लाइट जलाइए तो डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, टारगेट करती है। इधर उधर लाइट होती है लेकिन टारगेट क्या होता है उसका, डायरेक्ट एक सीधी लाइन में लाइट जाती है। तो वैसे ही हमारा जीवन, हमारी जो जिंदगी है वो भी कैसी होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते, शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। शॉर्टकट रास्ते मतलब जब हम परेशानियों में हैं, दुख में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तब प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम दुआ कर रहे हैं, ये हमने शॉर्टकट मेथड अपना लिया। और जब हम सही हो गए तब हमने अपना टाइम जो है, जो हम और चीजों के लिए देते हैं, हम उसमें देना शुरू कर दिया। लेकिन एक कुछ लोग वो होते हैं जो अपने लॉन्ग टर्म मेथड अपनाते हैं, मतलब क्या है, पूरे टाइम प्रार्थना में लगे रहते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, हमें प्रार्थना में, वचन में हमेशा लगे रहना है और हमें सीधा रास्ता अपनाना है। जैसे लिखा है इब्रानियों 10 और उसकी 26 आयत में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। मतलब अगर हमें पता है कि सही रास्ता क्या है, ईमानदारी का रास्ता क्या है, सत्य का रास्ता क्या है, और उसके बाद भी हम असत्य का रास्ता अपनाते हैं तो उसकी फिर कोई माफी नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना कि अगर हम तब भी पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं रह जाएगा। यानी अगर परमेश्वर का ज्ञान हमें मिल गया, क्यों, क्योंकि हम अब अन्य खाने लगे हैं, मतलब हमें गुण ज्ञान मिल गया है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर सत्य के रास्ते पे चलना है, असत्य के रास्ते पे नहीं चलना है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं चलना है। जैसे लाइट एक सीधी रेखा पे चलती है, उसका रास्ता कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फिलिपियों 2 और उसकी 15 आयत में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन सको, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दो। यानी हमें टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में निष्कलंक बन के रहना है, हटीले लोगों के बीच में निष्कलंक बन के रहना है। मतलब हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मार्ग है, वो कैसा होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और इन टेढ़े मेढ़े हटीले लोगों के बीच में हमें कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, निष्कलंक बिहेवियर होना चाहिए, तब हम परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य होंगे, तब हम ज्योति कहलाने के योग्य होंगे। तो हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए। पांचवी चीज जो हम देखते हैं वो है, लाइट से हमें पता चलता है कि कहाँ खतरा है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें ठोकर लगने का डर होता है, लेकिन अगर लाइट होती है तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ गिर सकते थे, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कोई चीज रखी है, हम उससे टकरा सकते थे। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। आपने एक बात नोटिस करी होगी, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तब सबसे पहले उसने क्या किया था, अंधकार को उजियाले से दूर किया था। अंधकार को उजियाले से क्या किया था, दूर किया था। अंधकार कौन, शैतान, और उजियाला कौन, यीशु मसीह। उसने उन दोनों को क्यों, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि एक ही जन रह सकता है, या तो अंधकार या फिर प्रकाश। तो हमारे जीवन में कौन है, अंधकार है कि प्रकाश है, ये सब आप जानते हैं। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया था, अंधकार और प्रकाश को अलग अलग किया था। जैसे एग्जाम्पल है इसका, आप सब यूसुफ की जिंदगी से वाकिफ होंगे। यूसुफ कैसा था, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और सच में वो जगत की ज्योति था। जैसे हम देखते हैं कि जब मिस्र में अकाल पड़ने वाला था तो परमेश्वर ने क्या किया था, उसको ये बात बताई थी यूसुफ को। और फिर फिरौन ने क्या किया था, एक सपना देखा था। फिरौन सपने देखता था और उसका अर्थ कौन बताता था, उसका अर्थ यूसुफ बताता था। और यूसुफ गाइड करता था कि मिस्र में आगे क्या होना चाहिए, क्या हमें अन्न को बटोर के रखना चाहिए, अकाल पड़ रहा है, क्या हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये कौन बताता था, यूसुफ बताता था।
तो यूसुफ एज अ ज्योति यूज हुआ था उस टाइम पर मिस्रियों के लिए। किसने क्या किया था? मिस्रियों को बचाया था। क्या हम और आप ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारी वजह से किसी को ठोकर लगती है या हम ठोकर से बचाते हैं, या हम किसी के जीवन को बचा पाते हैं? ऐसा क्या हमारा जीवन है कि लोग हमारे जीवन से कुछ सीख पाते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि इनके जीवन से तो हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिला? ये आप खुद जानते हैं कि आपका जीवन कैसा है, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो यीशु मसीह के स्वभाव को एकदम बिल्कुल मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। छठी चीज जो हम देखते हैं लाइट की करेक्टरिस्टिक्स, वो है कि जब रोशनी होती है तो अंधियारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब रोशनी आती है तो अंधकार पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे लिखा है यशाया 54 और उसकी 17 वर्स, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। मतलब परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि जो क्या है, जगत की ज्योति है, जो जगत की ज्योति है, जो वचन में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके खिलाफ ना तो शैतान कुछ कर सकता है और ना शैतान के हथियार। हमें क्या मिलती है? एक सच्ची सुरक्षा मिलती है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। अब आप बताइए कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स, इन लाइट के जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने 6 करेक्टर्स बताए हैं, क्या उनमें से मिलते हैं? अगर उनमें से मिलते हैं तो हाँ, आप सच में जगत की ज्योति हैं, और यीशु ने क्या किया है? आपको जगत की ज्योति बनाया है। और अगर जो करेक्टरिस्टिक्स आपके नहीं मिलते हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं? अपने जीवनों में डाल सकते हैं और फिर एक सच्ची ज्योति बन सकते हैं, जो खुद तो प्रकाशित होगी साथ में दूसरों को भी प्रकाशित करने वाली हो पाएगी। एक वर्ष और है, लूका 8 और उसकी 16 आयत में लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। अब दिया, लोग दिया जला के क्या रख देते हैं? खाट के नीचे रख देते हैं, या कोई ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर नीची जगह पर रख देते हैं, ऊंची जगह पर नहीं रखते? क्या ऐसा करते हैं? नहीं। दिया कहाँ रखा जाता है? हमेशा ऊंचाई पर रखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम दिए से क्या सीखते हैं। अभी हमने ज्योति से सीखा, अब हम दिए से सीखते हैं। दिया, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बर्तन जो उसे पता होता है कि ये उसी काम के लिए यूज होगा, वो है दिया। वो गुल्लक बनाता है या घड़ा बनाता है, तो घड़ा बना के क्या करता है? उसको ये नहीं पता है कि इसमें पानी भरा जाएगा, या इसमें लोग कलर करके आजकल लोग सजाते हैं, तो उसे नहीं पता कि इस घड़े का क्या होगा। लेकिन एक अगर उसने दिया बनाया है तो दिया क्या होगा? जलेगा, जलेगा। उसे स्पेसिफाई है, उसे पता है कि अगर मैंने दिया बनाया है तो वो क्या, किस लिए बनाया है? जलने के लिए बनाया। दिया यूं ही नहीं बना देता है कुमार कि मिट्टी थोड़ी सी बची तो आओ हम दिया बना दें, नहीं, उसने स्पेशली जलने के लिए बनाया है दिया। तो क्या दिए से हम क्या सीख सकते हैं? 3 चीजें हम दिए से सीख सकते हैं और हमारा जीवन हम उस हिसाब से ढाल सकते हैं। पहली चीज है उद्देश्य। दिया जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है कि वो जलने के लिए बना है। वैसे ही क्या हमारी जिंदगी का क्या उद्देश्य है? क्या हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, कि हम ऐसे ही आ गए इस दुनिया में, कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बना दिया, उसको टाइम मिला, उसने कहा कि कुछ बनाना है तो उसने मनुष्य बना दिया। क्या इसलिए हमें दुनिया में भेजा है, या इसलिए भेजा है कि जाओ तुम्हारी अभी वीकेंड चल रहा है, तुम अभी क्या करो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और फिर जब तुम मर जाना तब मेरे पास आ जाना? क्या इसलिए बनाया है उसने हमें? क्यों भेजा है उसने हमें इस धरती पर? क्या हमें उसका, हमें अपना उद्देश्य पता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम क्या केवल ऐसे ही जीने आए कि 70-80 साल हमने जी लिया और उसके बाद हम क्या कर दिया, हम मर गए, और हम मरने के बाद तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगियों में, और हम ऐसे ही चले गए, हमें उद्देश्य अपना पता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे, हमें जानता है, उसने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है। जैसे लिखा है यशाया 43 की 7 वर्स में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है,
मतलब परमेश्वर ने हमें किसके लिए सृजा है? अपनी महिमा के लिए। और हम उसकी महिमा करते हैं अपने जीवन से। हम महिमा में भविष्य के लिए चुने गए हैं, महिमा में भविष्य के लिए बनाए गए हैं। ये है उद्देश्य हमारी जिंदगी का, लेकिन हम उसे फुलफिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में जी रहे हैं। हम ज्योति में ही नहीं है। हम ज्योति में क्यों नहीं है? क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो अप ही नहीं करते हैं। हम यीशु को अपना उद्धार करता ही नहीं मानते हैं। इसलिए हम क्या है? अंधकार में है। और दूसरी चीज है दिया की, कि दिया स्वयं नहीं जलता, बल्कि क्या करना पड़ता है? उसको बाहर से प्रकाश लाके देना पड़ता है, तब दिया जल पाता। कभी आपने देखा कि आपने दिया रखा और वो जल गया अपने आप? नहीं, दिए को पहले आप जलाते हो, यानी उसके लिए बाहर से ज्योति की जरूरत है। और अभी हमने यही सीखा कि यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। और वही ज्योति तब हमारे अंदर आती है जब हम यीशु को फॉलो अप करते हैं। तो यानी हम दिया भी है, और दिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? कि पहली चीज तो हम उद्देश्य से भेजे गए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए, और दूसरी चीज ये है कि जब हम यीशु को फॉलो अप करते हैं तो उसकी जो ज्योति है वो हमारी जिंदगियों में आ जाती है, और हम भी क्या करने लगते हैं? ज्योति की तरह प्रकाशित होने लगते हैं। तीसरी चीज जो हम शायद से देखते हैं वो है दिया ऊंचाई पर रखा जाता है। परमेश्वर ने आपको एक औधा दिया है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, मैंने बहुत बार सरमन में भी बोला है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। तो यानी हम सिर है तो हमें एक औधा मिला है, हमारा एक लेवल है कि हम उस लेवल से नीचे नहीं आ सकते। ये परमेश्वर ने निर्धारित करके भेजा है। अगर हम ज्योति हैं, अगर हम प्रकाशित होते हैं, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा उठाता है। क्यों? क्योंकि दिए को हमेशा क्या करा जाता है? ऊंचा उठाया जाता है। तो अगर हम ज्योति हैं, अगर हम दिया हैं, तो हम क्या होंगे? हम ऊंचे उठाए जाएंगे, हमें ऊंचा औधा मिलेगा। क्या हम ऐसा डिजर्व करते हैं? नहीं, परमेश्वर की अनुकंपा से, परमेश्वर की दया से, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमने ये चीज देखी कि हम ज्योति भी हैं और हम क्या हैं? हम दिया भी। अब एक चीज जो मैं आपकी तरफ, आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहती हूँ, वो है कि हमारी लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी है? 70-80 साल। 70-80 साल। सूरज बहुत टाइम पहले से है। हमसे पहले भी बहुत लोग आए और चले गए, हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर भेजे गए तो परमेश्वर की कुछ प्लानिंग होगी। परमेश्वर ने कुछ प्लान करके हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। तो वो क्या है? सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि मनुष्य कौन है, हम कौन है, मनुष्य क्या है, हम क्यों बनाए गए हैं, और दूसरा हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके, कि उसने मनुष्य की सृष्टि की थी। यानी पहली चीज हमने क्या देखी इसमें, कि हम बनाए गए हैं परमेश्वर के स्वरूप में। मनुष्य क्या है? हमने पहला टॉपिक देख लिया कि हम मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। दूसरी चीज, मनुष्य वो है जिसके साथ परमेश्वर क्या करता था? संगति करता था। जैसा कि लिखा है उत्पत्ति 3:8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी आदम से मिलने के लिए परमेश्वर खुद आता था। परमेश्वर क्या करता था? संगति करता था, मनुष्य के साथ संगति करता था। ये है मनुष्य। दो चीजें आपने देखी कि मनुष्य क्या है। पहली चीज कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, वो है मनुष्य। दूसरी चीज, मनुष्य वो है जिसके साथ परमेश्वर क्या करता था? संगति करता था। परमेश्वर जानवरों के साथ संगति नहीं करता। क्या वो जानवरों के लिए आता था अदन वाटिका में? नहीं, वो आदम के लिए आता था, वो हवा के लिए आता था। उसने अपनी संगति के लिए, महिमा के लिए बनाया था हमें। पर हुआ क्या? आदम और हवा ने क्या कर लिया? शैतान के बहकावे में आकर फुसला कर क्या कर दिया? फल खा लिया। और फल खा कर वो क्या हो गए? पाप में डूब गए, मृत्यु आ गई। जैसा कि लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में,
इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मतलब अगर आज हम हैं तो हम आज परमेश्वर की महिमा से रहित हैं क्या? हम सब पापी हैं, सब कुछ व्यर्थ है, जैसा बाइबल में लिखा है कि अगर आप बहुत बलशाली हैं तो वो भी व्यर्थ है क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम परमेश्वर की महिमा में कब आ सकते हैं? जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन की बातों पर यकीन करते हैं। और उसके बाद क्या आया? जब आदम और हवा ने फल खाया तो फिर पाप आ गया, और पाप की मजदूरी क्या होती है? पाप की मजदूरी होती है मृत्यु। उसके बाद ये था कि मनुष्य को क्यों बनाया? मनुष्य को बनाया था महिमा के लिए परमेश्वर ने, मनुष्य को बनाया था ताकि परमेश्वर उसके साथ संगति कर पाए। लेकिन हमने वो ब्लेसिंग्स अपने जीवन से खो दी। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने क्या कर लिया था? पाप कर लिया था। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने अपनी महिमा का दान हमारे लिए अभी भी रखा हुआ है। और वो हमें कैसे मिलता है? जैसे कि लिखा हुआ है पहला यूहन्ना और उसकी 2:25 वर्ष में, और जिसकी उसने प्रतिज्ञा की वे है अनंत जीवन। सोचिए, हम पापी हैं, उसके बाद भी वो हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है। किस चीज की? अनंत जीवन की। और अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 वर्ष में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब अनंत जीवन हम तब कब पा सकते हैं? जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जब हम यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता है, जब हम उसे फॉलो अप करते हैं। तो सोचिए, 3 चीजें अगर हम यीशु मसीह को फॉलो अप करते हैं तो 3 चीजें हमें मिलती हैं। पहला, हम जगत की ज्योति हो जाते हैं। दूसरा, हम दिया बन जाते हैं और हमारा औधा क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। और तीसरी चीज, हमें क्या मिल जाता है? अनंत जीवन मिल जाता है। पर उसके लिए सिर्फ एक चीज आपको करनी है। क्या करना है? अपना क्रूस डेली उठाना है। अपना क्रूस डेली उठाना है। क्रूस उठाना मतलब अपने शरीर का क्या करना है? इनकार करना है, अपने आप को आत्मसमर्पित करना। इतना छोटा सा सेक्रीफाइस और आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये है परमेश्वर का प्रॉमिस, ये है परमेश्वर का वादा। और आपको पता है कि बाइबल की एक एक बात सच्ची है। वचन कभी भी वेस्ट नहीं होता, वचन कभी खाली नहीं जाता, जैसा कि लिखा हुआ है। तो अगर उसने हमें महिमा में भविष्य के लिए बनाया है, तो सच में उसने हमें महिमा में भविष्य के लिए बनाया है। और हम क्या करते हैं? हम अंधकार में चढ़ के उसको क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवनों में जरूर काम करेगा। और हम अगर अंधकार में चल रहे थे, या हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका जीवन अंधकार में है, तो हमारा काम है, ये परमेश्वर ने हमें भेजा इसीलिए है कि हम अपना भला करें, करें साथ में हमें दूसरे का भी भला करना है। साथ में हमें दूसरे को भी क्या करना है? प्रकाश में लाना है, उसे अंधकार में छोड़ नहीं देना है। तो हमें अपने जीवनों में कैसा काम करना है? हमें अपने जीवनों में ज्योति की तरह काम करना है, प्रकाशित होना है, ताकि 100 लोग जब बैठे हो तो आपका प्रकाश इतना हो, आपकी जिंदगी जिंदगी इतनी इतनी अच्छी हो कि लोग आपके लिए कहें कि ये क्रिश्चियन है। ऐसा जीवन हमें जीना है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं, उन्हें आप फॉलो अप करिए और सच में परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानिए। और देखिए, फिर आपको 3 चीजें मिल जाएंगी और आप क्या हो जाएंगे? आपका औधा ऊंचा हो जाएगा। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला परमेश्वर के वचन के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना प्रतिफल कहीं भी नहीं खोएंगे। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर आपने वचन के माध्यम से हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने बात करी परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर, और आगे आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमें अपने दोनों हाथों से परमेश्वर संभाल के रखेंगे परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर इस पेज के माध्यम से, इस टाइम जो लाइव देख रहे हैं और आने वाले समय में परमेश्वर जो भी लाइव देखेंगे परमेश्वर, उनकी जिंदगियों से भी परमेश्वर आप वचन के माध्यम से बात करिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक की जिंदगियों को परमेश्वर, हर एक के दिल को परमेश्वर आप छूइए परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से परमेश्वर आप काम लीजिए परमेश्वर।
हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके आगे परमेश्वर अपने आप को समर्पित करे परमेश्वर, और परमेश्वर आपको अपना मुक्तिदाता माने परमेश्वर, और परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो अप करने वाले हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर जैसे कि लिखा है परमेश्वर कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया परमेश्वर, इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर जो आज के टाइम पे कोई नहीं कर सकता परमेश्वर आपने वो किया परमेश्वर। और परमेश्वर आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, आप हमारी जिंदगियों से बात करिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े परमेश्वर उनको छूइए परमेश्वर, अपना चंगाई वाला हाथ रखिए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर जो स्पेस से परमेश्वर सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में जो भी परेशानियां हो परमेश्वर आपके नाम से मैं उन सारी परेशानियों को काटती हूँ परमेश्वर। अगर किसी को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है परमेश्वर, जॉब सर्च कर रहे हैं परमेश्वर अभी तक उनको नहीं मिली परमेश्वर, तो आप परमेश्वर उनके जीवन को परमेश्वर ऐसा बनाइए परमेश्वर कि उनको उनके अकॉर्डिंग परमेश्वर एक अच्छी सी जॉब मिलने पाए परमेश्वर। वो बच्चे परमेश्वर जो इस टाइम किसी किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जो एग्जाम देने वाले हैं परमेश्वर, परमेश्वर उनकी अकल समझ को और बढ़ाइए परमेश्वर कि उन्हें हर एग्जाम परमेश्वर वो अच्छी तरीके से पास कर पाए और उन्हें एक अच्छी जॉब मिल पाए परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए परमेश्वर जो स्कूल में पढ़ रहे हैं परमेश्वर, उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले परमेश्वर आप उनकी भी अगुवाई करिए परमेश्वर। और इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जो अनुपम अंकल और शबनम आंटी ने बनाया परमेश्वर, परमेश्वर उनके प्रतिफल को भी परमेश्वर आपने बहुत बड़ा प्रतिफल उनके लिए रखा है परमेश्वर जो आप उनकी जिंदगियों में देंगे परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपको प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की।